और जो अभी आपका जो पहले आईसीआईसी का जो रिवर्ट आया था उसकी थोड़ी जर्नी आप शेयर करो कि किस तरीके से आपने अप्लाई किया और उसके बाद कितने दिन में रिवर्ट आया और इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या पूछा आपसे। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। अबव 3000 कैंडिडेट्स मेरे थ्रू सिलेक्ट हो चुके मैं हैं। तो ठीक हूँ भाई, जॉब लग गई तो उसकी खुशी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपके वजह से तो लग गई यार। थैंक्स लॉट प्रथम सर फॉर गाइडेंस। बस आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा डर खत्म हुआ और मैंने कुछ अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए कुछ करने को सीखा। फाइनली मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया, वो भी एयरलाइन। मैं ये भी कहती आज फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी, इसका सारा क्रेडिट प्रथम सर को जाता है। प्रथम सर ने मुझे इस जॉब के लिए बहुत थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने। थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू प्रथम सर, थैंक यू सो मच। फाइनली आई गॉट अ जॉब और ये सब हो पाया प्रथम सर की वजह से। थैंक यू प्रथम सर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रथम सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाय प्रथम। प्रॉपर आवाज जा रही है मेरी? यस यस, आवाज आ रही है, बस थोड़ा सा आपका कनेक्शन हेलो। वो है वीक है आपका कनेक्शन। हाँ जी, थोड़ा आपको नेटवर्क आ रही इशू चल आवाज? रहा है। हाँ जी आ रही है। ठीक है, तो मैं सबको बता देता हूँ, इनका सिलेक्शन जो है वो आईसीआईसीआई में हुआ था सबसे पहले, और उसके बाद दो तीन जगह और हुआ, किसी वजह से ये जॉब नहीं कर पाई। अब जाके इनका एक और जगह सिलेक्शन हो गया है, तो इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये शेयर कर देंगी जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप ही की तरह जैसे आप लोग अप्लाई कर रहे हो वैसे ये भी अप्लाई कर रहे थे काफी टाइम से। सो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो सबको पहले। हेलो, माय नेम इज लवली कुमारी। एक्चुअली मैं बिहार से पूरा जिला से बिलोंग कर रही हूँ, एक बहुत से छोटे से जिले से मैं बिलोंग कर रही हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि बड़े से जिले से, छोटे से जिले से बिलोंग कर रही हूँ। और मैं ना प्रथम की बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी थी, लगभग 1 ईयर्स पहले से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारी इनकी प्रॉपर वीडियो मतलब कंप्लीट देखी वीडियो, बहुत सारे में अप्लाई किया, बहुत सारे में हुआ, बट कुछ इश्यू के कारण मैंने उनको जो मैंने नहीं किया। और अभी प्रॉपर मेरे को आईसीआईसीआई में भी जॉब हो गई थी, कंफर्म मेरी सारा कुछ हो गई थी, बट मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम इशू हुई, उसके कारण मैंने जॉब नहीं किया। एक्चुअली कोई बीमार पड़ गए थे मेरे फैमिली में, तो इसलिए मैं वो कर नहीं पाई जॉब। तो मेरे को सिलेक्शन हो गई बट मैं जॉब नहीं कर पाई, तो वो जॉब को दे दी गई, उसमें कोई इशू नहीं। बट मैं 6 मंथ के बाद फिर से मैं उसके लिए अप्लाई करूंगी, तो प्रॉपर मेरे को लगता है कि फिर से मेरी हो जाएगी जॉब, कोई इशू नहीं है। और आईसीआईसीआई की जो तो वर्क आपकी फ्रॉम जो होम जो ग्रेजुएट पार्ट टाइम आपकी जॉब है जो भी मैं कर क्वालिफिकेशन रही है हूँ वो बताओ अभी। कितनी है आपकी, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? हाँ ग्रेजुएट भी। तो आप हेलो। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हो और आपका सिलेक्शन हो गया इसमें आईसीआईसीआई, और हाँ आप जी आर्ट्स से बिल्कुल। बिलोंग करते हो राइट? आप हाँ आर्ट्स जी मैं साइड आर्ट से से हो। बिलोंग कर रही हूँ। ओके ओके ओके, तो और जो अभी आपका जो पहले आईसीआईसीआई का जो रिवर्ट आया था उसकी थोड़ी जर्नी आप शेयर करो कि किस तरीके से आपने अप्लाई किया और उसके बाद कितने दिन में रिवर्ट आया और इंटरव्यू कैसा हुआ और क्या पूछा आपसे। ओके ओके। देखो इंटरव्यू देने से पहले ना खुद पे कॉन्फिडेंट रखना कि ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर पहले फॉर्म फिलअप करो, कुछ इश्यू आए तो प्रथम है उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्म फिलअप करो, फिर उसके बाद आपको मेल आएगी। मेरे को तो 3 दिन में मेल आ गई थी, तो मेल आ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपको मेल आ जाएगी। मेल के बाद इंटरव्यू का जो मेल आएगा वहां पे आपको दिए जाएंगे सबमिट करने के लिए, वो सबमिट करो। फिर जब इंटरव्यू हो तो वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, बट आपको नर्वस होना नहीं है। ये मत सोचना कि अरे इतने सारे लोग हैं तो मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या पता उन 200 लोगों के आप पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओ, ये भी तो हो सकता है। तो प्रॉपर वीडियो देखना उसकी, और इंटरव्यू में बिल्कुल डरना मत, प्रॉपर कुछ नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपके बारे में पूछे जाएंगे, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिसके लिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो उसके लिए आपसे बस पूछी जाएगी, और कुछ नहीं पूछी जाएगी। ज्यादा मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन किए उन्होंने, बस बात खत्म, उतना ही आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है।
तो मींस मतलब आपसे और जो सीएससी का पार्ट टाइम जॉब है वो भी मैं कर रही हूँ अभी, ना आपसे कोई हाई फाई क्वेश्चंस पूछे गए, ना आपसे कुछ मतलब नॉर्मल एक जो आपका इंट्रोडक्शन है वो लिया गया आपसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, बस इतना ही पूछा गया आपसे, राइट? हाँ जी बिल्कुल। और आप सबके मन में मिथ रहता है कि हमारे पैसे लगेंगे, पैसों का क्या सिस्टम है, आप पैसों का क्लियर करो इधर पहले। हाँ जी, पैसों का कोई सिस्टम नहीं है। जॉब अभी भी मेरी जो हुई है, अभी मेरी कल ट्रेनिंग थी, जो मेरी जॉब हुई है उसमें भी मेरे को एक रुपीज नहीं ली गई है, और पहले भी आईसीएससी के लिए जिसमें मैंने डाला था उसके लिए भी मेरे को कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, और भी मैंने दो तीन जॉब्स के लिए डाले थे उसके लिए भी मैं सिलेक्शन हो गई थी, बट उसमें भी मेरे को कोई पैसे नहीं लिए गए हैं। एक जीरो इन्वेस्टमेंट मेरे को हुई है, बस जीरो इन्वेस्टमेंट, और कोई पैसे नहीं लिए गए हैं। ना फीस के पैसे, ना ट्रेनिंग के पैसे, मतलब एक तरह से मैं सबको बता देता हूँ, जो भी जेन्युइन जॉब होगी उसमें आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, ना फीस के, ना ट्रेनिंग के, ना सिक्योरिटी चार्ज, किसी की चीज के नहीं लिए जाएंगे। तो प्लीज कभी किसी भी जॉब के लिए पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो हाँ अभी आपका जो जॉब का लगा है, मैं सबको पहले ये बता देता हूँ कि ये पिछले एक साल से फॉलो अप कर रही है मेरे को, और अब जाके इनकी कन्फर्म जॉब लगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक साल या छह महीने पांच महीने लग जाएंगे एक अच्छी जॉब लेने के लिए, आपको लग जाएंगे, बट इन्होंने क्या क्या गलतियां की, कुछ गलतियां इनसे भी हुई, इनका रेज्यूम प्रॉपर नहीं था, और काफी सारी चीजें इन्होंने अप्लाई ढंग से नहीं किया था, काफी सारी प्रॉब्लम्स इनको भी आई, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना, जैसे कि ये नहीं हुई। तो अब जाके इनकी एक अच्छी जॉब लगी है। अभी की जॉब के बारे में आप मेरे को बताओ कि क्या है आपका, मतलब आपने कैसे अप्लाई किया, आपने कौन सी वीडियो देखी, एंड मतलब कितने टाइम में आपको रिवर्ट आया? हाँ जी, कुछ नहीं, मैंने जो मैंने जिसकी प्रॉपर जो प्रथम की जितनी भी वीडियो है मैंने उसमें से कोई एक वीडियो शायद मैंने उठाई, मेरे को प्रॉपर याद नहीं कि मैंने कौन सी वीडियो उठाई थी, बट अब सारी वीडियो जाके चेक करना शायद मिल जाए उसमें। मैंने प्रथम की वीडियो देखी, वहां पे फॉर्म फिलअप किया, और वो फॉर्म फिलअप मैंने किया था आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का, मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उसी में मेरी अभी जॉब हुई है। और सैलरी पैकेज तो मस्ट है, बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज है यहाँ की। और कुछ नहीं, इसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया, मेरी इंटरव्यू ऑनलाइन हुई, और इसके मेरे को एक दिन की ट्रेनिंग थी जो कि मैंने कल दे के आई है, एक दिन की ट्रेनिंग, बस वही एक दिन की। आज से मेरी जॉब स्टार्ट भी हो गई है, और पार्ट टाइम जॉब है, आपकी माने करो नहीं माने जिस दिन नहीं करो, और घर पे ही करना है, वर्क फ्रॉम होम है जॉब। तो कोई आपके ऊपर प्रेशर टारगेट या ऐसा कुछ है कि आपको करना है इतना काम करके देना है या ऐसा कुछ इस टाइप से? नहीं नहीं नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं, लेकिन आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ का तो कुछ टारगेट होता है ना, कि हाँ देखो आप जॉब कर रहे हो सैलरी मिले तो आपको वो तो टारगेट अचीव करनी होगी, तो वो तो आपको करनी है प्रॉपर ही, बट हाँ ऐसा नहीं फोर्स नहीं किया जाता है कि हाँ आप करो ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मींस एक तरह से पार्ट टाइम जॉब है कि आपकी जो है आपका मन है तो आप अभी कर सकते हो काम एक घंटा दो घंटा, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह से शाम तक आपको बैठना ही बैठना काम करने के लिए, राइट? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पे डिपेंड करती है आपको कितने देर वर्क करनी है, वो आप पे डिपेंड करती है। ओके 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 ओके, तो अब आपकी आज कम्प्लीट ज्वाइनिंग हो चुकी है कंपनी में, राइट? यस जी, मेरी कल कम्प्लीट ज्वाइनिंग हो गई, बट आज मैंने काम ही नहीं किया है, मैं कल से वर्क स्टार्ट करूंगी अपनी। ओके ओके, तो कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं कंपनी से कि हाँ आज आपने नहीं किया या ये वो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं, मींस आप इजीली नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं सबको बोलता हूँ कि रेगुलर वीडियोस देखो और रेगुलर अप्लाई करो, रेगुलर रहोगे 100% मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, और अच्छी जगह, जितनी भी जेन्युइन जॉब्स है, जेन्युइन जॉब्स मिलने में टाइम जरूर लगता है, बट आपकी जो जब जब जॉब लगती है तो अच्छे सैलरी पैकेज के साथ लगती है, एंड उसके बाद मतलब आपके ही मजे हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इनका वर्क फ्रॉम होम मिला इनको, और पार्ट टाइम ऐसा मिला कि इनको काम करने की इतनी ज्यादा वो नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आपको काम करना ही करना है ना, ऐसा ही है ना आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। ओके ओके, सैलरी पैकेज भी बहुत मस्त है इसका, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, सैलरी भी बहुत मस्त है, 15,000 रुपए आपके मंथली के दे रहे हैं, और साथ में आपको इसका आप जैसे कि आप वर्क करो तो उसमें टर्नओवर भी होगा, तो इस वर्क में क्या है ना कि अगर आप 2 लाख के टर्नओवर कर 5,000 आपको इंसेंटिव मिलती है, और 5,000-5 लाख का टर्नओवर करते हो तो आपको 15,000 रुपए इंसेंटिव मिलती है, तो मतलब हो गया टोटल 30,000। और ऐसा थोड़ी ना कि 5 लाख का टर्नओवर नहीं हो गया, 2 लाख के तो होंगे, 3 लाख के तो होंगे, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं। 30,000 एटलीस्ट सैलरी तो समझे समझे, मतलब या बिल्कुल, मान लो 25 तो समझ लें, बस 25 तो एटलीस्ट है।
या बिल्कुल और अभी बिल्कुल आप तो अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले काम का, या आपने कहीं काम किया था इससे पहले? नथिंग, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को फ्रेशर मिल, नहीं 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 फ्रेशर ही मेरे को लिया गया इसमें। तो आप फ्रेशर में आपको इतनी अच्छी मतलब सैलरी मिल रही है, तो आपके लिए भी शॉकिंग हुआ होगा बहुत ज्यादा कि हाँ इतना अच्छा वर्क मिला और इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, वो भी एज अ फ्रेशर। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके, तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या बताया गया, आप थोड़ा शॉर्ट में शेयर कर दो। हाँ जी, ट्रेनिंग में कुछ नहीं, जो वर्क आपको करना है ना बस उसके बारे में बताया गया है, आपको कस्टमर को कैसे डील करने हैं, आप कॉलिंग कैसे करोगे, वो सारा किस इसमें बताया गया है, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। ओके ओके, और जो ये है अपना, आप जो मैंने इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है वो आपने भी देखा, तो उसमें आपको आप रिलेट कर पाए कि जैसे आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी वही चीज एक तरह से पूछी गई कि आपका नेम क्या है एंड ऑल, जो मैंने वो हेल्पफुल है और लोगों के लिए या नहीं है वो हेल्पफुल? हाँ जी बहुत हेल्पफुल है। जब मैंने फर्स्ट आईसीआईसी का जो मैं कंफर्म की थी ना अपना जॉब, तो उसमें मेरे को ये नहीं था, प्रथम उस टाइम में वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बट मैंने अपनी माइंड से वो इंटरव्यू किया था। लेकिन अभी मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना, मैंने प्रथम की प्रॉपर वीडियो देखी थी, मैंने उसी टाइप से बिल्कुल इंटरव्यू दी थी। और हाँ, जब भी आप कभी इंटरव्यू दो, प्रथम की वीडियो प्रॉपर देखना, इंटरव्यू देना, 100% सिलेक्शन होगी। क्वालिफिकेशन अच्छी रही, आपका हर चीज अच्छा रहा, तो वो कंफर्म 100% सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लेंगे, 100% सिलेक्शन लेंगे। जब अगर कैंडिडेट मतलब एलिजिबल है तो उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये आपका मानना है? या बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपने इससे पहले भी काफी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया? हाँ जी, मैंने बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किए थे पहले भी, वो कुछ गलतियां तो मेरी थी। उसके बाद जाके आप, हाँ तो अब जाके आप, आपका सिलेक्शन कंफर्म हुआ, राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो अब आप जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहोगे सारे कैंडिडेट्स को? मैं एक ही मैसेज देना, हाँ जी मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, प्रथम की वीडियो प्रॉपर देखो, उनको फॉलो करो, जैसा जैसा वो वीडियो डालते हैं ना बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, डीमोटिवेट मत होना, मोटिवेट होना। अभी ये मत सोचना कि अभी मेरी नहीं हुई तो अगले पे अभी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, सबके लिए अप्लाई करो, एक ना एक में जरूर होगी, आज नहीं हुई कल नहीं परसों तो जरूर होनी ही होनी है। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, मोटिव होना है हमेशा, प्रॉपर वीडियो देखो, लाइव सीजन इनका अटेंड करो, स्टोरी इनकी देखो, स्टोरी मेंशन करो, अपने फ्रेंड्स को दो, हर जगह दो प्रॉपर, और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके, डरना नहीं है इसके लिए, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करो अपनी, बस और कुछ नहीं, मैं इतना ही, और सबको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरीके से, ताकि सब तक ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन जॉब्स पहुंचे, क्योंकि आपने इससे पहले कितनी बार मतलब कितने लोगों ने आपको मतलब मैसेज आया आपको कि इतने रुपए जॉब के लिए, डाटा एंट्री जॉब के लिए? मेरे को दो तीन मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे मेरे को कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो इतने इन्वेस्ट करो, बट मैंने नहीं इन्वेस्ट की है, बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट किया मैंने। राइट, तो मींस जेन्युइन जो जॉब्स होंगी, मैं सबको बता देता हूँ, उसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए जितनी भी जेन्युइन जॉब्स हैं जो मैं बताता हूँ, प्लीज उनको ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि किसी के साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है? हाँ जी, तो मैं आपको भी बोलूंगा मिस लवली कि आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो पाए सबकी, ताकि सब तक जेन्युइन। हाँ जी बिल्कुल। और आपको मैं बोलना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट करियर एंड फॉर योर गुड जॉब, सैलरी इतनी अच्छी है और मतलब आपकी खुशी साफ साफ दिख रही है कि भाई मतलब इतनी अच्छी आपकी जॉब लग गई है फाइनली, क्योंकि मैं सबको फ्रेंकली बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा परेशान थी ये, इनके मैसेजेस मेरे को सुबह से शाम तक, अप्लाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा ये, तो बहुत, मैं सबको बताता हूँ जो लोग प्रॉपरली करना चाहते हो तो उनको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ। लवली आप खुद बताओ सबको कि कैसे मैंने आपको हेल्प आउट किया, आपने जब, अरे आपको बहुत ज्यादा मैंने हमको तंग किए हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स पे मैंने तंग किए, एसएमएस पे तंग किए हैं बहुत, मेरे को तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, मेरे को हंसी आती है कि यार मैंने कितनी परेशानियां की है इनको। तो आप देख सकते हो इनके अंदर डिजायर थी, ये करना चाहते थे, तो मैंने इनको लिटरली इतना ज्यादा हेल्प आउट किया कि हाँ अब इनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा, अगर आप लिटरली चाहते हो कि अगर करना चाहते हो तो मैं, मेरी तरफ से आपको 100% हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो थैंक्स लवली फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके।
ओके बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपको पता चल गया होगा, तो अब जिस जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो आज की जॉब के लिए, प्लीज अप्लाई करो यार, प्लीज। रिवर्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो प्लीज अप्लाई करना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर पूछ लेना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंडेंट।